हैव एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये गलत है, हम कहेंगे आई हैव सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये करेक्ट है। क्लियर है, समझ आ रहा है? क्या बात बताएं, समझना चाहिए। आप माशाल्लाह मैच्योर हैं, सारे समझदार बच्चे हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, पूछता भी हूँ। इसलिए पूछता हूँ कि जैसे ट्रस्ट हो जाए ना, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि वी आर लर्निंग समथिंग। क्वेश्चंस करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, तो आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन है। तो यहाँ पे हमने सम लिखा, वहां पे एनी लिखा, लेकिन एनी वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला हमारा गलत है, और ये वाला सम जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी जस्ट स्टार्ट लर्निंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, और जो एनी है उसको हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला। चलें, मेक वन सेंटेंस यूजिंग एनी। एक सेंटेंस बना एनी का आप लोग, शाबाश। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, ठीक है। मिस्टर अहमद अली बलोच, डू यू हैव एनी पेंस इन योर बैग, ठीक है। डू यू हैव एनी फजीला, फैजान इन इंग्लिश ग्रामर, सफिया, फायजा। डू यू हैव एनी स्टोरी बुक, सही है। यू डोंट हैव एनी, फायजा शेख, मैंगोज, ठीक है, वेरी गुड। सब लिख रहे हैं आज। एमस ने लिखा, फजीला ने लिखा, फैजान ने लिखा, सफिया ने लिखा, फायजा ने लिखा। यू डोंट हैव एनी बुक, सही है, वेरी गुड। डज ही हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है। आई डोंट हैव एनी पेन इन माई पॉकेट, नूरी नाज। तोकीर, आई डोंट हैव एनी मोबाइल, डज शी हैव एनी मोबाइल फोन, कायनात, वेरी गुड। डज शी हैव एनी मोबाइल फोन, वेरी गुड। क्लियर है मेरे ख्याल में, आप सही लिख रहे हैं। आई हैव सम बुक्स, हाँ सम वाला बाद में है ना। यू डोंट हैव एनी पेशेंस, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया टू वाला, एनी भी बताया, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये वाला, यू कैन अटेंड द क्लास ऑफ ईदर टीचर। अब जब हम कहते हैं ना ईदर टीचर, तो यहाँ पे हम कहते हैं किसी भी टीचर की, किसी मतलब दो टीचर हैं, किसी भी एक टीचर की। एनी माना किसी भी, इधर यहाँ पे हमने लिखा ना इधर टीचर। यू कैन अटेंड द क्लास ऑफ इधर टीचर, तो दो टीचर होते हैं उसके साथ हम लगाते हैं, ठीक है। चलें, इधर आप अलग होता है भाई, इधर आप अलग है। यहां पे देखें, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। वन ऑफ द बॉयज, बोथ ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, फ्यू ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज। देख लें इसको, इसको देख लें, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे।
वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम वन लिखेंगे, पहले हम इसको काट देते हैं, वन लिखते हैं, वन को एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप लिखेंगे वन, वन ऑफ ऑफ द, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स आप कहेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आस्किंग क्वेश्चंस, या हम कहेंगे वन स्टूडेंट इज आस्किंग क्वेश्चंस। वन हैज सम प्रॉब्लम्स, वन हैज, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स यहाँ पे सम प्रॉब्लम्स, हैव सम प्रॉब्लम, हैज सम प्रॉब्लम, इज सम प्रॉब्लम, या नन ऑफ देम। सही है, वन ऑफ द टीचर्स टीचिंग नाइसली, सही है। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमारा आएगा हेज वाला, तो वन का ये इस्तेमाल है, यूज ऑफ वन। हाँ, ही हेज आएगा, सिंगल का तो ही हेज आता है ना, वो तो आसान है, ही हैज सम प्रॉब्लम्स, वो तो बिल्कुल आसान है, ही हैज सम प्रॉब्लम्स, दे हैव सम प्रॉब्लम्स, ये तो आसान है मेरे ख्याल में, ये पता नहीं। चलें आगे चलते हैं, फिर हमने एक और इसे चीज सिलेक्ट की, ये हम काट देते हैं समझाने के खातिर, और इसको हमने काट दिया। फिर हम कहते हैं बोथ ऑफ दी स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ दी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास। सही है, बोथ ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो इसमें ऑफ लगाएं या खाली बोथ स्टूडेंट्स लगाएं, बोथ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, दोनों सही है। इस तरह यू बोथ शुड अटेंड द क्लास नाउ। दीज बोथ मोबाइल्स आर माइन, बोथ ऑफ, हाँ ठीक है, बोथ ऑफ दी चिल्ड्रेन, बोथ ऑफ दी चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस। क्लियर है? जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।